रवां हफ्ते में अफगानिस्तान से 650 अमरीकी फौजी वापस अमरीका पहुंच रहे हैं। अमरीकी फौजी हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान की सूबा परवान में तैनात इन फौजियों की जगह नए फौजी तैनात नहीं किए जाएंगे। सदर ओबामा के गुज़श्ता माह के ऐलान के मुताबिक इस साल के आखिर तक 10,000 और सितंबर 2012 तक मजमूई तौर पर 33,000 अमरीकी फौजी वापस बुला लिए जाएंगे, जबकि अफगानिस्तान से हतमी इनखला के लिए अमरीका ने 2014 का हदफ मुकर्रर किया है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि यह वाजे नहीं कि अफगान सिक्योरिटी इदारे और खास तौर पर अफगान पुलिस इस काबिल है कि वह अफगानिस्तान में दहशतगर्दी, जराइम और मुनशियात के कारोबार जैसे चैलेंजेस से निमट सके। सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि ये लोग अपनी हिफाजत खुद कर सकें और इस अमन मिशन को आगे बढ़ा सकें। अहमद माजिदियार वाशिंगटन के एक तहकीकी इदारे अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से वाबस्ता अफगान तजियाकार है और काफी वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गुजार चुके हैं। उनका ख्याल है कि इनखला का फैसला जल्दबाजी में और जमीनी हकाइक के बरक्स किया गया है। पेस एंड आल्सो द स्केल ऑफ द ड्रॉडाउन। इतनी तेजी से इतने बड़े पैमाने पर नेटो और अमरीकी फौजियों का इनखला एक बड़ी इंतजामी गलती होगी, क्योंकि इस इनखला से उन तमाम कामयाबियों पर असर पड़ेगा जो अफगान सलामती के हवाले से पिछले एक साल में हासिल की गई है, खासतौर पर अब जबकि अफगानिस्तान में तालिबान अपनी पूरी कुव्वत से उन इलाकों को हासिल करने की कोशिश करेंगे जहां से उन्हें निकाल दिया गया था। क्या आपके ख्याल में अफगानिस्तान के कौमी सलामती के इदारे अपनी हिफाजत खुद से कर सकते हैं? इस हवाले से काफी बेहतरी नजर आई है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज जैसा कि अफगान आर्मी और अफगान नेशनल पुलिस को ट्रेनिंग दी गई है। पिछले चंद माह में 1,00,000 नई भर्तियां की गई हैं, लेकिन ये बेहतरी सिर्फ तादाद की हद तक है, सलाहियत पर नहीं। अब भी अफगान आर्मी की कोई यूनिट खुद से काम नहीं कर रही और अमरीकी फौज की मदद की मरहून मिन्नत है और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स डुबैक इराक जंग में अमरीकी फौज के कमांडर रह चुके हैं। वो न सिर्फ अहमद माजिदियार की बात से इत्तेफाक करते हैं, बल्कि उनका कहना है कि इराक जंग से एक चीज जो समझ में आती है कि अफवाज की कमी से मकामी सिक्योरिटी इदारों की सलाहियत पर भी असर पड़ेगा। अफगानिस्तान में मुकामी पुलिस की ट्रेनिंग के बाद भी उन्हें काफी अरसे तक इन अफवाज की जरूरत पड़ेगी। ये इनके लिए एक तरबियती अमल है जिसके लिए कुछ फौजियों का वहाँ रहना जरूरी है। तमाम फौज को वापस बुलाने से न सिर्फ तालिबान के खिलाफ जंग पर असर पड़ेगा बल्कि वहाँ सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी भी मुतासिर होगी। फोर्सेस पुट्स एट रिस्क बोथ द काउंटर ऑफेंसिव एंड द कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। जॉन बुकैनन एक साबका अमरीकी पुलिस ऑफिसर हैं और इस वक्त अमरीकी महकमा इंसाफ के साथ तरक्की पजीर मुल्कों में कौमी सलामती के अमूर पर तहकीक कर रहे हैं। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में पुलिस को दी जाने वाली इंतहाई जामे तरबियत के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में हालात की बेहतरी में मकामी अफगान पुलिस का किरदार अहम होगा। पुलिस को तनाज़ात के बाद भी तनाज़े रोकने का जिम्मेदार समझा जाता है और मुझे उम्मीद है कि अफगान पुलिस कौमी सलामती की इस जिम्मेदारी को पूरा करने के काबिल हो जाएगी। The drawdown, the effect of the drawdown of US troops will have negative implications. लेकिन अहमद माजिदियार का कहना है कि ट्रेनिंग और इमदाद के बावजूद अफगान पुलिस और सिक्योरिटी इदारे अपनी मौजूदा हालत में कौमी सलामती की इस जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पर उठाने के लिए तैयार नहीं और इस सूरत हाल में नेटो और अमरीकी अफवाज के इनखला से खित्ते की दूसरी ताकतें अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी अफवाज की गैर मौजूदगी का फायदा उठा सकती हैं। साकिब उल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।